नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। भारत लाइव के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं उन खबरों को लेकर जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताई है, और तमाम खबरों की ज्यादा जानकारी देने के लिए, विस्तार से उन खबरों को बताने के लिए रोजाना की तरह हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। बाबा से हम समझेंगे उन खबरों के बारे में। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कुढ़नी विधानसभा सीट पे जो उपचुनाव हो रहा है उसके लिए वोटिंग हो गई है, और अब इसके साथ जो लगातार प्रत्याशी हैं उनकी दिलों की धड़कने बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अब कहीं ना कहीं जो जेडीयू का जश्न है वो भी फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। विस्तार से इस खबर को समझेंगे बाबा से, आखिर क्यों जेडीयू का जश्न अब फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए निशेद, कल तो पूरे दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कुढ़नी की जनता वोट कर रही थी। देश के अलग अलग हिस्सों में वोटिंग हो रही थी। चर्चा में खूब ज़्यादा गुजरात को होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ से प्रधानमंत्री आते हैं, और इस बार भी अगर वो जीत करके वहाँ गुजरात आते हैं तो प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं में थोड़ा और इजाफा होगा। लेकिन उस सब के बावजूद बिहार के कुढ़नी की चर्चा इतनी क्यों थी? तो इसके पीछे का कारण था कि कुढ़नी में नीतीश कुमार वर्सेस नरेंद्र मोदी हो रहा था, यानी प्रधानमंत्री बनाम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की ये लड़ाई है, और इस लड़ाई में कुढ़नी की जनता को ये मौका मिला था कि वो फैसला करे कि आखिर कौन होगा अगला प्रधानमंत्री। ये कुढ़नी का चुनाव नहीं था, ये देश का चुनाव था जो यहाँ से तय करेगा नीतीश कुमार का भविष्य और नरेंद्र मोदी का भविष्य। अब इस चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन वोटिंग ट्रेंड और जो बयान आ रहे हैं नेताओं के वो काफ़ी चिंता में डाल रहे हैं नीतीश कुमार को। इसके पीछे का कारण है कि आपने देखा होगा कल ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लगभग बन गए हैं, आधिकारिक घोषणा सिर्फ बाकी है, ललन सिंह। और ललन सिंह के बनने के बाद ये जश्न होना चाहिए था, क्योंकि नीतीश कुमार, ललन सिंह, इन्होंने जदयू को बहुत कुछ दिया है, बहुत लंबे समय से जदयू के नेता रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसको एक अवसर के रूप में, एक जश्न के रूप में मनाना चाहिए था, क्योंकि दूसरी तरफ 7 दलों का गठबंधन, महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था और वोटिंग भी हो गई थी। वोटिंग का प्रतिशत बहुत अच्छा था, लगभग 58% के आसपास मतदान होने का मतलब है कि मुख्य चुनाव से ज़्यादा लोगों ने एग्रेशन में वोट किया है, और लोगों को ये पता था कि हम किसको वोट कर रहे हैं, यानी लोगों ने पहले से माइंड मेकअप कर लिया था कि हमारा अगला जो है यहाँ का विधायक कौन होगा, और आने वाले समय में प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में कौन सबसे आगे चल रहा है। इस काउंटडाउन में कहीं ना कहीं जो जश्न था जनता दल यूनाइटेड का वो फीका पड़ गया, और जिस तरह से बयान आरजेडी के नेताओं के आए, महागठबंधन के अन्य घटक दल वाम दलों के आए, कांग्रेस इस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया अब तक नहीं दी है। राष्ट्रीय जनता दल की बात हमने बता ही दिया। जदयू के लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं है, यहाँ तक कि जदयू के लोगों पर बूथ कैप्चरिंग तक का आरोप लगा। ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं जदयू का अब जो जश्न बार बार होता रहा है, पिछली बार आपको याद होगा कि ललन सिंह जब अध्यक्ष बने थे तो पूरे पटना को सजा दिया गया था, लेकिन इस बार किसी की कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है जो कि कहा जाए कि जश्न की तरफ जा रही है। वोटरों ने लेकिन दुखदुखी बढ़ा दी है पूरी तरीके से। हम वही बात बता रहे थे कि 58% के आसपास वोट होना निश्चित रूप से एक है, लोकतंत्र को अगर देखा जाए तो लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए दुखदुखी बढ़ने जैसा है, क्योंकि अब ये डिसीजन करना, चूंकि वोटों का जो आंकड़ा था लगभग 3,10,000 के आसपास पूरे मतदाता हैं, जिसमें से 58% हुआ है, तो 1,80,000 के आसपास लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है। ऐसी स्थिति में अब जातीय आंकड़ों को अगर देखें तो इसमें भूमिहार समाज ने स्पष्ट कर दिया कि उनका वोट किधर गया है बल्क में। उसके अलावा यादव समाज ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो वोट देने गए हैं तो किस आधार पर गए हैं, उनके वोट देने का मतलब क्या था। यहाँ तक बातें कही जा रही हैं कि तेजस्वी यादव के अपील पर लालू प्रसाद भारी पड़ गए हैं, और ख़ास करके वो स्ट्रेटजी जो जगतानंद सिंह ने बनाई है वो भारी पड़ गया है। यानी कि अगर इस सीट पर जदयू जीत जाती है, हम बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि इसका जवाब आपको 8 तारीख को मिलेगा। इन सब के बीच चिराग काफ़ी पावरफुल लग रहे हैं, फुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं वो। देखिए चिराग की कहा जाए तो
डबल एंट्री हो गई है। पहली तो दो सीटों के जो उपचुनाव हुए उसमें चिराग पासवान को काफ़ी तरजीह दी गई, उनके अंतिम समय में जा करके वोटों के लिए अपील करना, उसका वोट में कन्वर्ट होना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत साथी के रूप में वो सामने नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो कमी है नीतीश कुमार की वो अभी पूरी नहीं हुई है, उसके लिए अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। आने वाले समय में बहुत सारे लोग जुड़ने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे चुनाव में जो उपचुनाव हुए, दो चुनाव उधर हुए और एक चुनाव कुढ़नी का जो कि कल वोटिंग समाप्त हुआ, इन सबको लेकर के चिराग पासवान ने जिस तरह से प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनको अप्रिशिएट किया, चिट्ठी लिख करके उनको बुलाया गया, कहा गया कि आप आइए हमारे साथ, तो इसका सीधा मतलब है कि चिराग पासवान की वो सारी डिमांड जो है पूरी कर ली गई है। और चुनाव प्रचार के बाद जिस दिन वहाँ मतदान हो रहा था उस दिन बिहार में अरवल में एक ऐसी घटना घटती है जिस घटना को लेकर के और कोई नहीं लेकिन चिराग पासवान वहां जरूर पहुंचते हैं, यात्रा करते हैं, वहां जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, इस घटना पर रोष व्यक्त करते हैं। और उनके साथ सबसे बड़ी बात है कि उनकी महिला ब्रिगेड रहती है, शेष नेतृत्व तो रहते ही हैं, महिला ब्रिगेड रहती है और रोड शो करके वो दिखाते हैं कि उनका ताकत और पावर क्या है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार धीरे धीरे, हालांकि अब उनको उनकी तुलना की जा रही है तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से अब तुलना नहीं की जा रही है, अब उनकी तुलना की जा रही है तेजस्वी वर्सेस चिराग, यानी कि आने वाला 2024 के चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए को लेने के बाद, हालांकि एनडीए में आने से पहले भी चिराग पासवान लगातार यात्राएं कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, हर छोटी बड़ी घटना पर उनकी प्रतिक्रिया होती थी, अब एक बार फिर से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ और सपोर्ट मिलने के बाद वो दिखा रहे हैं अपना एग्रेशन, नीतीश कुमार को पूरी तरह से तहस नहस ध्वस्त करने की जो प्रक्रिया है जिसकी प्लानिंग कहा जा रहा है कि भीतर खाने में भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, उसके लिए फ्री हैंड मिल गया है चिराग पासवान को, जो कल के अरवल में दिखा। और इसका सीधा मतलब था कि भारतीय जनता पार्टी फुल सपोर्ट में खड़ी है, यानी कि बिहार में एक अलग तरह की राजनीति 8 तारीख के बाद देखने को मिलेगी। इनके सपोर्ट में तो खड़ी है, लेकिन इधर मांझी जी और कुशवाहा जी पर दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन में आपकी उपयोगिता क्या है, ये बात नीतीश कुमार को कोई नहीं कह सकता है, ये बात तेजस्वी यादव को भी कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि ये दो बड़े दल हैं, इन्होंने प्रदर्शन किया है। लेकिन खास करके अगर जीतन राम मांझी की बात की जाए, हालांकि प्रदर्शन उनका भी था, उन्होंने 4 सीट जीता है 2020 के चुनाव में, उपेंद्र कुशवाहा भी अपने गठबंधन में जो उनका 2020 में चुनाव लड़े थे उसमें 5 सीट लेकर के आए थे, भले ही वो AIMIM को आया था, लेकिन उसके मुखिया जो हैं वो कुशवाहा ही थे, उपेंद्र कुशवाहा ही थे। लेकिन ये कुढ़नी चुनाव में इन दोनों पर काफ़ी दबाव है। कुढ़नी चुनाव में जैसा कहा जा रहा है और अब तक जो हमारे पास रुझान आए हैं उसके अनुसार, उपेंद्र कुशवाहा अपने वोटरों को जिस अनुपात में चाहिए था उस अनुपात में ट्रांसफर नहीं करा पा रहे हैं, ये बातें लगातार कुढ़नी से निकल करके आ रही है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के प्रयास में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया है, घर घर जाके मिले हैं, लोगों से संवाद किया है, कार्यकर्ताओं को एकजुट किया है, कैसे जीतेंगे इस स्ट्रेटजी को बनाया है। लेकिन इन सब के बावजूद जो कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरह से नीतीश कुमार और ललन सिंह ने साइड करने का कोशिश किया है, उसका असर वहाँ पड़ेगा और यही चिंता का कारण उपेंद्र कुशवाहा के लिए है। जिस मकसद के साथ, जिस सोच के साथ वो आए थे, शायद वो पूरा नहीं हो रहा है। पुराने शुभचिंतक कई हैं उपेंद्र कुशवाहा के, जिन लोगों से हमारी अक्सर बातचीत होती रहती है, वो बार बार ये जानना चाहते हैं, उनकी उत्सुकता होती है कि उपेंद्र कुशवाहा का अगला स्टेप क्या होगा। कई लोग उपेंद्र कुशवाहा से सीधे नहीं पूछ पाते हैं और उन्हें पता है कि उपेंद्र कुशवाहा से भी मेरी बातचीत होती है, तो ऐसी स्थिति में वो जानना चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा से जब मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अब यही उनका ठिकाना है, आगे उन्होंने राजनीति इसी जगह करने का फैसला किया है, दुख में सुख में हर तरह से अब यहीं से राजनीति करेंगे और यहीं से बिहार की जनता की सेवा करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि उन पर दबाव तो है ही, अपने कार्यकर्ताओं का दबाव है, अपने स्वजातीय का दबाव है, अपने लोगों को अधिकार दिलाने का दबाव है,
कहा तो यहां तक जाता है कि लौ कुश समीकरण में कुश पीछे छूट जाता है, लौ आगे हो जाता है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जहां एक तरफ उन पर दबाव है, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी पर भी दबाव है। महागठबंधन में रह करके अपने वोटों को कितना कन्वर्ट करा पाते हैं परिणाम में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि बाप बेटा दोनों मिलकर के, पूरी टीम उनकी मिलकर के, यहाँ तक कि उनके पार्टी के कई प्रवक्ता रंजन सिंह को भी हमने देखा कि वो लगातार हमारे स्टूडियो से भी और वहाँ के लोगों से अपील कर रहे थे। इसका सीधा मतलब है कि कोशिश तो हुई, लेकिन अब इन लोगों पर दबाव है कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो क्या परिणाम आता है। अगर परिणाम जदयू के यानी महागठबंधन के पक्ष में नहीं आता है तो ये दबाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि दबाव ललन सिंह पर भी था, नीतीश कुमार पर भी था, लेकिन दोनों ने अपने अपने दबाव को दोनों पर कन्वर्ट कर दिया है। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि बलि का बकरा कौन बनता है, कभी भी बड़े कहा जा रहा है मछली को नहीं निकला जाता है, बड़ी मछली छोटी मछली को निकलती है और ये राजनीति में खूब होता है। चलिए, बड़ी मछली छोटी मछली को निकलती है राजनीति में होता है। बाबा ने तमाम खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाया है, आपको बताया है। अभी हम दोनों को दीजिए इजाज़त, कल एक बार फिर से हम अपने इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर होंगे और उन खबरों को बताएंगे जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताया। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700।